उसने ना दो बार लेटर लिखा है दुष्यंत चटाला जी को और पूर्व में विधायक जी रहे पवन सैनी और नैब जी को कि मेरी बच्ची को यहाँ ज़्यादा दिक्कत है उसका हस्बैंड बाहर फॉरेन कंट्री में रहता है जी नहीं देखो जी पुलिस ने एफ दर्ज कर ली है, प... होने वाला है।, है उनका जो तो एक फादर भी था वो कह रहा है हमारे बच्चे तंग क्यों कर नमस्कार स्वागत है आपका कंचन टीवी पर पिछले दो दिनों से कुरुक्षेत्र के सेक्टर सात की महिला टीचर का एक मामला में है बताया जा रहा है कि महिला टीचर है जो स्कूटी पर नरवाना जो नहर है वहाँ पर वो पहुँचती है और उसके बाद वो गायब है अब प्रशासन भी पशुपेश में है परिजन भी पशुपेश में है कि वो आखिर गई कहाँ उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसके बाद लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है और यहाँ पर गौताखोर प्रगट सिंह है वो भी अपनी टीम के साथ पहुँचे और आप देख सकते हैं जो किरमच हेड है वहाँ पर अब सर्च अभियान जारी है और इस चिलचिलाती धूप में भी चाहे परिजन आप देख सकते हैं परिजन हैं सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके अलावा प्रशासन भी पहुँचा है तो यहाँ पर जो परिजन हैं उनसे हम बात करेंगे उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या हमारे साथ हैं हाँ साहब आखिर पूरा मामला है क्या कैसे आपको पता चला कब कब सूचना मिली आपको? नहीं ये लड़की गांव पोटी से है जी जी और मैं लड़की का चाचा लगता हूँ तो जब भी हमें पता चला तो हम तो कल से यहीं पे हैं जी जी और जो भी मतलब गोताखोर या किसी को भी जिससे भी मिले पुलिस में गए पुलिस भी मौके पर है और गोताखोर भी मौके पर है अभी तक कोई सिलेशन निकला नहीं इस जी, चीज़ जी। जी। क्या प्रशासन की ओर से पूरी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं क्या वो अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं नहीं देखो जी पुलिस ने एफ दर्ज कर लिया है पर लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा गोताखोर या वो नहीं आया कि जो नहर में देख सके भी वो है या नहीं है ढूंढ सके जिसको। देखिए एक सवाल सबके जहन में है कि उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा सुसाइड नोट में कुछ नाम दिए उन्होंने दिए हैं क्या आप लोगों से उन्होंने कभी जिक्र किया था कि इस तरह का मुझे किसी से परेशानी है देखो जी वो तो उनके जो ब्रदर हैं लड़की के उसको इस बारे में नॉलेज होगी मैं उनसे भी जानना चाहूँगा लड़की के आ, आप उनके क्या लगते हैं लड़की है? के मैं लड़की का पुफ जी हूँ जी जी जैसे बताया जा रहा है कि वो किसी से परेशान थे उनकी बेटी को परेशान कर रहा था तो आखिर वो पूरा मामला है क्या जी मैं शॉर्ट में बात सुनाऊंगा जी ये ऐसे हुआ एक साल लगभग से आ जी मगर पूरी डेट तो मेरे आदमी है एक साल पहले ऐसा हुआ था एक कोई लड़की है मतलब जो मेरी गुड़िया के साथ पढ़ती है जी। तो उसने कुछ लड़कों के साथ मिल के ना इस पे मतलब गलत कमेंट ऐरा वगैरह मैं अपनी वो करने की कोशिश करी तो लड़की परेशान होगी जब इन्होंने हम बताया हमें बताया जी। तो हम इनके घर पहुंचे जी। तो वहाँ समझाए बच्चे भी समझाए चलो वो भी बच्चे है उनकी जिंदगी ना खराब हो हमारी बच्चे भी छोटी है जी। तो उसकी उम्र भी मेरे ख्याल में पंद्रह साल है जी अभी पंद्रह सोलह साल और जो ये लड़के आए ये पच्चीस पच्चीस साल के लगभग हैं चौबीस पच्चीस साल जी जी तो जी वहाँ समझ गए हमने सोचा बात खत्म होगी तो अब ऐसा हुआ कुछ दिन पहले कि फिर उसके बाद हमने क्या, क्या किया कि ये माहौल चेंज कर दो जी तो हमने लड़की को अपने गाँव में ले गए घर दादाजी के घर पठान माजरा रामचरण माजरा तो रामचरण माजरे से अब उसको कोचिंग लेनी है आना तो पड़ेगा जी हाँ तो जब हम उसको लेके आए तो लड़की मम्मा ने फिर देखा जो अभी सुसाइड किया जिन्होंने तो इन्होंने देखा है कि वो लड़के फिर चक्कर गली के चक्कर काटने लगे उसने उनको फिर बात करी रोक के अपनी स्कूटी ना भाई बेटे आप भी मेरे बच्चों ऐसा ना करो जी जी. उन्होंने कहा कि हम बदमाश हैं हम तुम्हें भी चक लेंगे तुम्हारी लड़की को भी चक लेंगे उसको थोड़ा मेंटल टॉर्चर किया ना मतलब कब की बात है ये कब हुई है ये लगभग ये पंद्रह दिन में सब कुछ खेल हो लिया हमारे तक ये बात नहीं आई क्योंकि वो अंदर अंदर गुट की रही उसके दिमाग पे प्रॉब्लम बैठ गई है तो क्या वजह रही कि जब उन्होंने आप लोगों को बताना उचित नहीं

तो उन्होंने कहा कि वो लड़के सुधर ही नहीं आ तो हम ये प्रोग्राम बनाने वाले थे कि उनके घर दोबारा जाइए चाहते थे कि उनके परिवार के साथ बैठ के उनको कहा जाए आ, कि, कि समझाया जाए बच्चों को आ, अब हमें तो ये था कि बच्चे हैं वो उनकी भी जिंदगी ना खराब हो हमारे बालों की भी हो पर उन्होंने ऐसा स्टेप था जो हो बदमाशी में करें हम तुम्हारी लड़की को भी चकेंगे तुम मेरे को चकेंगे तू यहाँ अकेले रहते क्रुक्षेत्र में तो फिर वो डिप्रेशन में तो हर आदमी को ले आदमी तो फिर भी कर अकेले थे जी उसका हस्बैंड बाहर फॉरन कंट्री में है जी वो वही वरकत्ता तो ये यहाँ से एक लड़का छोटा सा जी, जी। गुड़िया चौदह पंद्रह साल की लड़कों लड़को छोटे जी। जी। उसके साथ रहते थे ये अपना जॉब करते थे यहाँक्षेत्र में जी। अब यहाँ पर मैं जो लड़की के जो महिला हैं उनके ससुर हैं उनसे भी हम बात करेंगे उनसे भी जानेंगे कि आखिर बाबू जी आपको जब पता चला कि ऐसी घटना घटी है तो कैसा क्या क्या कुछ आपके साथ बीता है हमारे साथ तो मैं फोन गया था जी मैं से बात तो ये नंबर छूटी नंबर अब मैं कहने कहना छोटी नंबर क्या है तो पता नहीं जी वो तो, तो यहीं रहा खुश कुछ, कुछ तो फिर हम यहाँ आए में छ मिली जैसे जैसे बताया जा रहा है कि वो लड़के परेशान करते थे क्या उनके घर वालों से आप लोग मिले थे कभी तो उनके घर से दो बार भी गए जी समझाए मैं तो कोई बात है समझाए वो समझे कोई नहीं है तो उसके बाद मैंने तो लड़की तो उनके जो घर वाले थे बच्चों के घर वाले उन्होंने क्या कहा था कोई आश्वासन दिया था उन्होंने आपको कि बच्चों को समझाएंगे नहीं उनका जो एक फादर भी था वो कह रहा था तो बच्चे तंग क्यों कर रहे का अच्छा वो उल्टा आपसे कह हाँ हमारे से कह रहे थे हम कहाँ तंग कर रहे ये लड़के मोटरसाइकिल को माए लड़के स्कूल में जाए पीछा करा इसके तो इन्होंने अपनी मम्मी से बताया तो वो कह लगी कहा ऐसे बात लड़के घूम रहे हैं तो उसके बाद दो बार के कर गए हम पहली बार गए समझ आए दोबारा फिर गए माँ भी इज्जत का सवाल है चलो ये भी बच्चे में खाने की जिंदगी खराब हुआ अपनी भी इज्जत मतलब आप नहीं, नहीं चाहते थे, थे।, थे कि थाने तहसील आप चाहते थे कि प्रेम प्यार से अगर वो मानते हैं तो यहीं पर निपट जाए हाँ जी हाँ यहीं निपट जाए पर वो नहीं मानने उसके बाद में लड़की में इसी झगड़े से अपने घर ले गया गाँव में ले गया वो सेक्टर से यही पाँच महीने कब लेकर गए थे आप घर पर तीन महीने के उसके बाद फिर लड़की में ट्यूशन वहाँ थी नहीं तो पहले चलो जो बात आधा पास होगी बहुत टाइम की बात है ये दो तीन महीने के चार और मैं चलो लड़की आएगी ले आए उसके बाद फिर वो पता लगा लड़की आएगी फिर उसके इस बात से वो, वो उन लड़की की मम्मी

लोग कहेंगे जी जी इस करके वो उसने कदम उठाया तो इतना बड़ा कदम तो अब क्या चाहेंगे प्रशासन से क्या मांग कर तो अब तो हमें कानूनी कार्रवाई जो गवर्नमेंट करेगी अब तो हमें फैसला चाहिए हम लोग इंसाफ चाहिए, चाहिए।, 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 चाहिए। थोड़ी बात मेरी रह गई थी मैं सरदार जी प्रगट सिंह जी

किलोमीटर पर उनका गांव है वो जैसे उनको सूचना मिली वो तो पहुंच गए लेकिन जो साजो सामान उनको जो इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं उनको प्रोवाइड है तो वो कैसे मदद करेंगे आ, अब प्रगट सिंह से भी हम बात करेंगे और जो यहाँ पर आ, मौके पर पुलिस अधिकारी है उनसे भी बात करेंगे और भी परिजन हैं यहाँ पर उनसे हम जानेंगे जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर सर जो लेडीज थी जिसने ये मतलब कि सुसाइड डाला किया है उसने जी। उसने ना दो बार लेटर लिखा है दुष्यंत टाला जी को और पूर्व में विधायक जी रहे पवन सैनी और नायब सैनी जी को कि मेरी बच्ची को यहाँ ज़्यादा दिक्कत है ये जो लड़के हैं परेशान करते हैं ठीक है तो मेरी यहाँ से ट्रांसफर गुड़ा कराई जाए कि मेरे ये जो गुड़ा पड़ता है ये मेरे गांव के पास ही पड़ता है गाँव से वो अप डाउन कर सके और इस सारे बखेड़े से वो बच सके हमें अपने बच्चों को अपने गाँव के पास या कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूँ फिर उसका ना तो जब ये बात थी कि हाँ कि उसने चार दो तीन बार उसने लेटर भी करवाया गैन से लेटर उसने टाइप कराया उन्होंने वो सेंड किया कब की बात है कब उन्होंने ये लेटर दिया के दौरान की बात है अभी ठीक है हाँ तो जो गुड़े के जो प्रिंसिपल है उसका मोबाइल नंबर भी था सारा कुछ था कि मैं सर से बात करूंगी सर आप ऐसा मेरी हेल्प करो कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ मेरी यहाँ से बदली कराई जाए मेरे हस्बैंड अमरीका रहते हैं सास मेरे मैं अकेली हूँ कहीं ना कहीं मैं आ, कहा जा सकता कि सारा एपिसोड होने के बाद वो बहुत ज्यादा दबाव में थे दबाव में थी जी तो फिर उसने ऐसा मतलब कि कोई कोई है तो अहिंदा साथ में बुजुर्ग गांव में रहते थे जो सास है जी जो नानी जी हमारी है वो भी बीमार है उसके अभी निका ऑपरेशन होता था, था को थे, वो भी बैड के पर है जी ये बेचारे ये भी बुजुर्ग हैं तो इसका एक पैर वहाँ रहता था एक पैर रहता था, था तो खेती बाड़ी भी है सारा कुछ है जी सब क्या क्या करें जी देखिएगा वाक्य में बुज़ुर्ग इंसान है वो मैडम की मनोस्थिति क्या रही हो देखिए हम ये नहीं कहते कि आत्महत्या करना अच्छा काम है हम उसको नहीं कहते कि अच्छा काम है लेकिन उनकी मनोस्थिति रही क्या होगी कि वो अपने अपनी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करके देख चुकी थी चाहे वो आपसी प्रेम और भाईचारे में बैठ के उनसे बात की थी कि अपने बच्चों बच्चों को और वो परेशान ना करें वो नहीं मामला सुलझा उसके बाद उन्होंने चाहा कि यहाँ से ट्रांसफ़र ले ली जाए कि मैं यहाँ से दूर हो जाऊँगी तो शायद मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी लेकिन वो भी नहीं हुई दुष्यंत चौटाला को बताया जा रहा है और प्रदेश महामंत्री पवन सैनी है उनको भी उन्होंने लेटर लिखा लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुई और आज आज हमारे सामने ये घटना इतनी बड़ी घटना घटी है कि उनको जघन्य अपराध जिसे कहा जा सकता है आत्महत्या जैसा कदम उन्होंने उठाया लेकिन उसके पीछे की मनोस्थिति और उनकी स्थिति देखनी होगी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कायरता वाला काम किया कायरता वाला काम कहा जा सकता था लेकिन उनकी दबाव था उन पर प्रेशर था और ये किसकी वजह से हुआ क्या क्या समाज को इसके लिए जागना चाहिए था क्या प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए थी क्या उनके जो पड़ोसी हैं अड़ोसी हैं जो उनके आ, कुलिक थे जो उनके आ, साथी थे क्या वो भी तो मदद कर सकते थे लेकिन किसी ने भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई तो कहीं ना कहीं हम सब उसकी मौत के जिम्मेवार बनते हैं अब लगातार यहाँ पर कोशिश जारी है डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश जारी है अब देखना होगा कि क्या प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे और अभी आप बने रहेगा कंचन टीवी के साथ क्योंकि जो गोताखोर प्रगट सिंह है उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका दोस्त आपका होस्ट यशपाल कंचन